द प्रिंसेस डाइज टू रॉयल इंगेजमेंट मैरी हर्सल द्वारा निर्देशित 2004 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित 2001 की द प्रिंसेस डायरीज की सीक्वल है। पहली फिल्म के विपरीत यह किसी मौजूदा किताब पर आधारित नहीं है। इसका पुस्तक श्रृंखला की दूसरी किस्त द प्रिंसेस डायरीज वॉल्यूम 2 प्रिंसेस ऑफ द स्लट लाइट्स है। कोई संबंध नहीं है। फिल्म में मिथ्या मूवी का बजट था $45 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $134 मिलियन की कमाई की थी। पहली फिल्म के अधिकांश कलाकार वापस आ गए, जिन्हें जूली एंड्रयूज शामिल हैं। वो इस मूवी में आपको शामिल मिलती है। गैरी मार्स मार्शल निर्देशन किए वापस और डेबरा मार्टिन चेज वेटन ह्यूटन निर्माण किए वापस आए। नए पात्रों के विकाउंट मैब्रा लॉर्ड निकोलस डेक्रोवस मूवी शामिल है। इसके बाद में वे उसमें शामिल होकर निकल जाते हैं। अगली सुबह सांसद के दौरान मिया ने बेबर को अपने भतीजे लॉर्ड डेवरक्स को सिंहासन का गला पुरुषोत्तम अधिकारी बताते हुए सुना। कानून के अनुसार मिया केवल तभी रानी बन सकती है जब भीतर की शादी कर ली। कलरस ने लॉर्ड डेवरक्स को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया और मिया को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह निकोलस है। उसके सबसे अच्छी दोस्त है लिया मॉस्कोविट्स उसे एक यात्रा अक्षय करती है। साथ में संभावित पतियों की तलाश करते हैं। मिया अंत में एंड्रू जैकोबा ड्यूक लाथ कैनुलस को चुनती है और कुछ दिनों बाद उसकी सगाई हो जाती है। मैब्रियन निकोलस को मिया और बहकाने की योजना बनाता है ताकि सगाई विफल हो जाए, जो क्लोरस को एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक कर सकती है। मिया को एक समारोह के लिए साइड सैडल पर सवारी करनी है तो लेकिन वह अनुभवहीन है, इसलिए क्लोरस एक पुश्तैनी लड़के का पैर प्रदान करती है ताकि ऐसा लगे कि ऐसा कर रही है। जब मैं भी रबरस के सांप से मिया के घोड़े को डराता है तो अनजाने में लकड़ी के पैर